हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल बिपु रियाक्सन। आज चाहिँ म एलिजे जमालीको ब्लगमा रियाक्सन गर्न जाँदैछु। र यहाँ टाइटलमा लेखिएको छ, मैले सेलरोटी बनाउँछ छु कुकिङ ब्लग भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ सेलरोटी बनाउनु भएको छ अरे, हामी चाहिँ हेर्छौँ उहाँले कसरी के गरी बनाउनु भयो सेलरोटी भनेर। र मैले उहाँहरूको चाहिँ ब्लगहरूमा होइन, आयुषको पनि एलिजेको पनि ब्लगहरूमा गीतहरूमा रियाक्सन गरेको छु। हजुरहरूले मेरो च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ र म पनि उहाँहरूको फ्यान हो। र हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ एलिजेको फ्यानहरू, आयुषको फ्यानहरू, एलिजे जनता, आयुषे जनता सबैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कुनै भिडियो म छुटेको छु भन्ने। हजुरहरूले कमेन्ट गरेकै अनुसारले म नयाँ भिडियो लिएर आउने गरेको छु। र ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। वेलकम टु अनदर ब्लग। कैसे आप सब, किस तबियत है? आई नो मैं कल लाइव नहीं आई थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कम लाइव। कैसे आप सब, किस तबियत है? आई होप सब ठीक होंगे। तो इस ब्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं और मुझे ये था कि यार चलो ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने 4 दिन पहले एक ब्लॉग अपलोड किया है और यू गाइज डिजर्व अ ब्लॉग, सो आई वॉज लाइक ओके लेट्स मेक द ब्लॉग। तो मैंने सर्च किया क्या क्या, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी। मैंने बोला मैंने पहले मोमोज ट्राई किए थे, वो इतने अच्छे बने भी थे और कुछ कच्चे भी बने थे, लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद आए थे, तो अब क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए जो नेपाल का ट्रेडिशन है, नेपाल का कल्चर है, ऐसा करके। तो फिर मैंने गूगल किया क्या क्या, फिर मुझे पता लगा कि आप लोग त्योहार में और दशहरे में ये मिठाई टाइप स्वीट जो होती है ये आप सेल रोटी, इसको बोलते हैं सेल रोटी। आई थिंक मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक है, लेकिन अगर नहीं पे तो मुझे करेक्ट कर देना। तो हम बनाएंगे सेल रोटी। सेल रोटी जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने ले ली थी। राइस को हम मतलब नेचुरली वो नहीं करेंगे, क्या बोलते उसे, ग्राइंड मैंने पाउडर मंगवा लिया है और मैं अपनी मम्मा को भी उठाती हूँ और बोलती हूँ चलो मेरे साथ बना दो, बिकॉज मॉम जाग रही है, सो उठाने की कोई भी वो नहीं है, सब जाग रहे हैं, तो लेट्स गो, लेट्स मेक सेल रोटी। और ये मैंने ट्राई किया है जब मैं नेपाल गई थी, तो नेपाल में वनिता दीदी ने भेजा था, तो ये मीठी रोटी की तरह होती है विच इज़ वेरी फेमस, सो लेट्स मेक, लेट्स डू माई ऑनर्स। वेलकम टू माई किचन। इधर हमने बहुत सारे कारनामों को अंजाम दिया और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। एनीवेज, तो हम लोगों ने मैंगो आइसक्रीम बनाई थी और वो फेल थी, लेकिन लेट्स सी कि ये फेल होती है कि नहीं, लेकिन ये फेल नहीं होगी यार, बिकॉज इट्स रियली इजी लग रहा है मुझे, लेकिन देखने से लग रहा है। सो वी हैव राइस पाउडर, ठीक है, और मैंने पूरी जो है अभी रेसिपी भी देख ली और मेरी मम्मा ने भी देख ली है। सो इट्स बेसिकली हम लोगों ने एक थाल लेना है, उसके अंदर वो राइस पाउडर डालना है, फिर घी को गरम करना है, फिर घी को गरम करके उसके अंदर डालना है वो गोल बनाकर, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। सो लेट्स सी कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोगों के सामने इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वो मेथी दाना, ठीक है, क्या बोल सकते हो, मेथी दाना बोलते हैं इसको, इसको हम रोस्ट करके डालेंगे मेथी दाना। देन वी हैव घी, उसके बाद बेकिंग सोडा, ऑयल ऑफ कोर्स, एंड देन शुगर, और ये राइस का पाउडर। सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गो। और इसको जो है बनाने के लिए कारनामा अंजाम देंगे हम लोग, सो लेट्स गो। अभी मेरो अम्मा ऊंचा, फिर मम्मा आ गया दर्शन, मम्मा दर्शन नहीं, जब बोलते दर्शन तो आपने बोले भाग्यवानी हो, भाग्यवानी भाग्यवानी नेपाली बोलना ऐसे क्या टाइम हो रहा है ये बताओ। रात के गाइस, लुक लुक लुक, रात के 1:27 हो रहे हैं, ओके 1:27 रात को 1 बजे से रोटी बनाने लग गया, कह रही है मम्मी तो मम्मा जाग रही थी, शी वाज स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, नहीं जी कोई नहीं, तो आप देख जाग रही हो जो मैं बना लो, तो लेट्स लेट्स टेक। मम्मी ने हमें दो काम बताए हैं, हम लोग जब तक मम्मी आती है हम लोग वो करकर रखते हैं। देखो मुझे बाद में नहीं बोला कि मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, आता है। सो जो मेरे पास पाउडर है वो 1 kg है, लेकिन हम 1 kg पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा यूज करेंगे बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट टाइम। सो मैं सिर्फ इतना ही लूंगी और फिर इसको जो है अच्छे से रोस्ट होंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। देखो अभी इसका कलर ये है, अभी मैं जो है इसको इसके अंदर डालूंगी और घुमाऊंगी थोड़ा थोड़ा, फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी हम इसको जो है अच्छे से घुमाएंगे,
कलर चेंज होगा, इनका डार्क ब्राउन जो है कलर हो जाएगा। मेथी वाले को सेलोटी मां से वाले के खाने थे। नहीं वो थोड़ी देर इसमें से नहीं आंसर हो जाएगा, बंद करो। ओके चलाती हूं, जाने वाली चलाती हूं। हां मैं जा रही हूं, तो मैं साला के किचन में छोड़ के नहीं जा सकती ना। चाचा हैं चलो चलो, ये कुछ का कुछ बना डालो। नहीं आई थिंक इसने कलर चेंज कर लिया, ये बिल्कुल जो है ना ब्राउन 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 कलर के हो गए। हम हाथ से पीसते हैं ना, मुझे हाथ से पीसना है, हाथ से पीसना है या मुझे हाँ हाथ से कूटना है, मुझे इसको हाथ से कूटेंगे हम लोग। यस यस कलाइडर पर इतने गोंद दस्ते रेजर ताने क्यों यो ठीक है इधर बैठो। ओके सो हमारे पास ये आ गया है कूटने का, तभी हम कूटेंगे इसको। मैं ऐसे रखती हूँ तो बेटर, अभी हम इसको इसके लगा के कूटेंगे। इसे क्या लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और थोड़ा बहुत नीचे भी गिर रहा है उसको इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा भी ज़्यादा ही नीचे गिरा जा रहा है। कोई नहीं मम्मा, नॉट प्रोफेशनल लाइक यू। समझ नहीं आ रहा मुझे कि हमने इसको रोस्ट क्यों किया है। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमने इसको रोस्ट क्यों किया यार, या फिर इसलिए कि ये अच्छे से पिस जाए। मुझे लग रहा है मुझे मम्मी की सलाह लेनी चाहिए थी, और वो ग्राइंडर ही ग्राइंडर में इसको डाल देना चाहिए था। लेकिन तो अब हम घी गरम करेंगे, और घी जो है ऐसे तो खुल नहीं रहा, तो कौन कौन घी को इस तरीके से खोलता है, मैं ये तरह। सो हम ऐसे खोलेंगे घी को, और घी ज्यादा लेंगे तो इसी में निकाल लूं, क्योंकि हम इसी में ही गरम करेंगे घी को। तो मेरी मम्मा आप बताइएगा हाँ जब स्टॉप। तो अभी तो लेंगे 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 लेंगे, देख सकते हैं मम्मी आप अभी भी Do you think? मम खत्म हो गया, जमा हुआ है ना? Yes, जमा हुआ है। Yes. बस? Yes. Okay. Okay. Done? Done. So guys, हम उसको इतना जो है ना गरम करेंगे। उसको गरम होने के लिए रख देंगे जब तक इसमें जो है बॉइल नहीं आ जाता, एक दो बॉइल आने चाहिए ताकि अच्छे से गरम हो जाए, और हम जो है जब तक वो राइस पाउडर की राइस पाउडर की प्रिपरेशन करते हैं। बाउल लेकर मतलब क्या बोलते हैं, थाला, ये हम थाला लेकर आए, थाला थाली, ये हम थाली लेकर आए क्योंकि इसी में ही उन्होंने भी ऐसी किसी चीज में की थी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कितना मस्त आ रही है। तो अब हम इसमें जो है ये पाउडर निकालेंगे, हम कट करते हैं थोड़ा सा, और ना इसके अंदर बीच में हमने घर भी बनाना है, मतलब एक गोल 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 तरीके का। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है कि बिल्कुल एबीसी कैंप लग रहा है, और अब हम इसके अंदर एक घड़ा खोदेंगे, ठीक है, जैसे लोग अपने लिए गड़ा खोद, दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं और उसमें गिर जाते हैं ना, ऐसे ही हम अभी इसके अंदर गड़ा खोद दिया हम लोगों ने, और इसके अंदर जाएगा ये घी, घी जाउंछा, थोड़ा सा इधर लगा दो ताकि पता चले कि कुकिंग हो रही है, और शेफ अलीज इन द टाउन। तो हमारी मम्मा ने हमें मना कर दिया कि घी आप मत डालिएगा, हम डालेंगे अदरवाइज आप अपना हाथ जला लेंगी, तो ठीक है। आपने भी फॉरन से मिक्स नहीं करना है, आपको पता है गर्म है तो वेट करना है थोड़ा, 5 मिनट्स। क्या हुआ? ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल वॉल्केनो जैसे कलीजे के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ओह ओह माय गॉड, वाओ क्या खुशबू आ रही है, क्या बात है, क्या बात है मेरी मम्मा की। तो गाइज हम लोगों ने ज्यादा पूरा घी नहीं लिया है, थोड़ा घी लिया क्योंकि ज्यादा हो गया था। आप लोग ये कतई मत समझेगा कि मैं काम नहीं कर रही, मां कर रही हूँ यार, कर रही हूँ, क्या हो गया देखो, अभी पानी बॉइल करने के लिए रख रही हूँ। कर रख दिया हमने बॉइल होने के लिए। हाँ और ये पानी थोड़ा सा गिर भी गया मुझसे, एनीवेज इसको इग्नोर करते हैं। खूबसूरत हाथों से मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह लग रहा है गरम ना हो।
लग रहा है ना, लेकिन चले कोई नहीं, उसके अंदर वो दूसरा उठा के डालू ना वहां से पाउडर, हाँ और ऐसे यस घी के ऊपर हल्के हल्के डालो, एकदम से नहीं पुश करना। जी 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 जी, इस तरीके से ना। हाँ हाँ हाँ, आपने सही बोला, यस अब नहीं लग रहा। तो हम इसमें डालेंगे चीनी। कितनी मम्मा? हाफ कप चीनी डालो। 1 2 3 4 Few moments later. ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं पूरे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या? मैं समझ गई, हाफ डालना था। नहीं फुल। और उसके बाद ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अलावा कुछ और था मम्मी? नहीं, चीनी थी, बेकिंग सोडा इतना। ठीक है, इतना बेकिंग सोडा भी ये भी हम इसके अंदर डाल दिया। बल्कि मुझे लग रहा है कुछ और भी था, लग रहा है मैं इसको कैमरा से भी दिखा रही हूँ किस तरीके का लग रहा है। हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे अच्छे से चीज को। गूंद रही हूँ यार, गूंद रही हूँ, क्या हो गया? गूंद रही हूँ अभी जी मम्मी। So as you all can see, अभी कुछ इस तरीके का हुआ है। और क्या लग रहा है मम्मी, सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ, तुम बनाओ ना। Oh yeah! तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये काफी पतला है, देखिए इन्होंने कितना, अभी हमारा ऐसा हो गया है तो अभी हमें ऐसे और पतला करना है, जैसे कि ये आंटी कर रही है, मेक द कंसिस्टेंसी लाइक दिस। देखिए मम्मी ऐसी ऐसे गिरनी चाहिए। हम इसको जो है ना ढाप के रख देंगे ऐसे, और 2 घंटे बाद आकर देखेंगे कि क्या सीन है। टाइमर मैं लगा लेती हूँ। मैं लगा रही हूँ अभी टाइमर फॉर 2 आवर्स। ये लग गया एग्जैक्ट 2 आवर्स का, तो आफ्टर 2 आवर्स हम इसको बनाएंगे, अल्लाह करे बन जाए। So guys, we are back after 2 hours and we are still awake. Of course, हम अपना जो है नाश्ता वाश्ता करके ही सोएंगे, मैं और मेरी अम्मा। और हमने जो है सोचा है कि बता दो हम प्यारी प्यारी वीडियोस बनाएंगे, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी टिकटॉक पर, लेकिन आफ्टर जब के व्लॉग अपलोड होगा उसके बाद। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है ऑयल को गर्म करने के लिए रख रहे हैं इसके अंदर। ये हमारा जो है पैन है, अभी ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी, उन्होंने जैसे बताई थी उसी तरीके की हुई हुई है, ठीक है। और मामा ने कहा है कि इसके अंदर डालकर हम ऐसे वो करेंगे, लेकिन मैंने कहा हाथ से कर लेंगे, मामा ने बोला नहीं हम ये कोन यूज करेंगे। तो जब तक मम्मा ऑयल गर्म करिए, हम जो है ये कैटल में जो है चाय चढ़ाते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या मामा क्या मम्मी ये जग निकालना, ये जग हाँ, इसके अंदर कौन डाल के आप कौन फील कर देना मुझे। हाँ, वो ये रहा जग, और इसके अंदर हम ये जो है कौन डालेंगे, और इसको ऐसे बाहर निकालेंगे। इतना काफी होगा, मैं ट्राई करने वाला सोचा सेल वाला मले। अच्छे से स्ट्रॉन्ग मम्मी हाथी नहीं। तो मम्मा ने ट्राई के लिए एक डाला था और ये हो चुका है गरम। Do you think और होना चाहिए मम्मा गरम? Do you think हमें और रखना चाहिए? और अब मैं इसके अंदर डाल दूं अब क्या बोलते हैं चाय की पत्ती। Let's try, let's मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी डर लग रहा है। कौन को ऊंचा करो, ऊपर करो, हाँ अब डालो हाथ ऊपर करके डालो। स्टॉप
So, आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे दिल की शेप का, oh my God, I'm so proud of myself. इतना सा करके ही I'm so proud of myself. Wow, okay, अच्छे से ब्राउन होगा. अल्लाह करे टेस्ट भी बढ़िया सा हो, अच्छा सा हो. I'm so excited, man. Finally, कुछ तो बना. I know सर बहुत सारी गलतियां होंगी लेकिन मेरा फर्स्ट ट्राई है तो यू ऑल शुड अप्रिशिएट मी. क्या मम्मी क्या बोल रही हो? वैसे मैंने नेपाल में खाया था तो मुझे बहुत है ना, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा. मैंने ये सोचा था कि मैं जाते हुए लेकर जाऊंगी क्योंकि यहाँ ये मिलता नहीं है, मगर हमारे साथ हुआ क्या कि वजन ज्यादा हो गया था. हमें अपने बहुत सारी मम इसको और डार्क ब्राउन करना है. सो अब मॉम जो है ट्राई करें और मेरे चूल्हे की आंच जरा हल्की कर दूं. ओके डन मॉम, स्टार्ट. बिस्मिल्लाह. ओ मॉम ने अच्छा बनाया है ना, इतना मोटा लेके. मम्मी गाइस ये मेरा है और ये मम्मी का. देखो मेरी सेहत जैसा बना दिया, मोटा. अभी मम्मा बाहर आ गया. अब छोटा बनाए मम्मा, छोटा. सो गाइस ये देखें कुछ ऐसा हो गया भाई. वाह 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 वाह. और सुबह फजर की अजान हो रही है. ओए होए 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 क्या बात है. सो गाइस मम्मा बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गई है. बना बना और मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तो मुझे बताना आप में से कौन कौन किस किस का फेवरेट है ये सेल रोटी. ठीक है, और एकदम फेवरेट है सेल रोटी. तो मन पसंद. अब मैं चाय जो है प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी मम्मी के लिए. मम्मा कितने स्पून आपके लिए? 2 स्पून मम्मी के लिए. आप लोग कितने स्पून लेते हो? मैं भी 2 ही लेती हूँ. देखिए मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना. हमारा तो 3 चम्मच की क्या जरूरत है ना मम्मी. मैं भी नहीं बोलती हूँ मुझे डाइटिंग की क्या जरूरत है. खतरा वॉइस सेलिब्रिटी था. Guys, that's it for today. मेरी ये सेल रोटी तैयार है और अभी मम्मा खाकर ट्राई करके बताएंगी और मैं भी ट्राई करूंगी. हाय मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बिकॉज अच्छी बनी है ना. बहुत अच्छी बनी है. चलो अभी टेस्ट करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है क्योंकि हमने फर्स्ट वाली ट्राई की थी वो काफी डिलिशियस थी. सो लेट्स सी. सो गाइस मैंने जो है फ्लैश लाइट ऑन किया बिकॉज सुबह का टाइम है और सिर्फ मैं और मम्मी जाग रहे और अभी हम जो है खाने लगे. मम्मी पहले आप खाओ और बताओ कैसा है. गरम होगा ना ये वाला ट्राई करो. मॉम की वाला पहले बनाया था. अच्छा मैं ये वाला ट्राई करूंगी. जैमी कैसा है मॉम? बहुत टेस्टी है. मीठा है? बहुत. मुझे भी नॉर्मल है लेकिन बहुत टेस्टी. ओके गाइस जो हमने फर्स्ट भी बन सेल खाना आज सख्त हो गया था पर दिस वन इज सॉफ्ट सो आई एम ट्राइंग. पहला वाला इसलिए सख्त हो गया कि शायद हमने उसे ज्यादा देर बना लिया, पकाया ज्यादा देर. डिलीशियस बहुत मस्त था. जैनी भी आ गई. इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव. लेट मी नो व्हाट यू गाइस वांट टू सी नेक्स्ट और मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड सब मुझे बताइएगा कि सेल रोटी किस किस को पसंद है. लव यू ऑल सो मच. 500 के कर दो. 500 ही कर दो. अब तो मम्मा भी बोल रही है जल्दी कर दो. एकदम राम्रो लागेको मलाई चाहिँ पुरै रातिको होइन 12-1 बजीतिर नि उहाँहरूले ट्राई गर्नु भइसक्यो सेलरोटी खान मन लागेर होइन नेपालको चाहिँ ट्रेडिसनल खाना भनेर चाहिँ उहाँले सर्च गरेर होइन अनि के छ नेपालको त्यस्तो डिस भनेर हेरेर अनि सेलरोटी भनेर उहाँले अनि पुरै कुकिङ सबै रेसिपी हेरेर होइन सेलरोटीको बारेमा हेरेर अनि सबै चिजहरू होइन कति मजाले बनाउनु भएको थियो अनि अम्मीले चाहिँ कति छिटो के हुन्छ नि त फर्स्ट ट्राईमै कति राम्रो बनाउनु भएको थियो कि एलिजेले पनि राम्रै ट्राई गरेको मलाई पनि खासै सेलरोटी चाहिँ
बनाउन आउँदैन, खाना चाहिँ मलाई एकदम धेरै मिठो लाग्छ है। सेलरोटी चाहिँ मलाई पनि चियासँग खान एकदम धेरै मनपर्छ होइन। झन् त्यो भर्खर भर्खर बनाएको बेलामा त तातो रोटी हुन्छ नि, त्यो त झन् एकदम धेरै खानु मन लाग्छ कि मलाई एकदम मिठो लाग्छ सेलरोटी चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ अब केही सेलरोटी देख्ने बित्तिकै ठ्याक्कै दसैँ तिहार याद आयो कि, हाम्रो त दसैँ तिहारमा एकदम चाडबाडको बेलामा दसैँ तिहारमा बन्छ नि त सेलरोटी, अनि एकदम दसैँ तिहार पनि नजिक आउँदैछ नि त, अनि म पनि ट्राई गर्छु कि यसपालि चाहिँ दसैँ तिहारमा सेलरोटी बनाउनलाई। र मलाई चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लाग्यो यो ब्लग होइन, उहाँको जुन कुकिङ ब्लग थियो उहाँको मम्मी अम्मीसँग चाहिँ एलिजेले जुन सेलरोटी बनाएको ब्लग थियो एकदम राम्रो लाग्यो। उहाँ त देखेरै खान मन लागिसकेको थियो किनकि मलाई मनपर्छ नि त, अनि एकदम धेरै राम्रो लाग्यो उहाँहरूको ब्लग। अनि अब चाहिँ छिटै आयुषसँग पनि सँगै बसेर ब्लग देख्न पाउँछ हामीले होइन, कति टाइम भइसक्यो नि त आयुष र एलिजा। अनि आयुष चाहिँ एक हप्तामै फर्किनुहुन्छ भन्नुभएको थियो नि त, अनि अब उहाँ चाँडै फर्किनुहुन्छ होला सायद होइन, अनि उहाँको दुईजनाको सँगै ब्लग हेर्न पाउँछ हामीले होइन। उहाँहरू लाइफमा पनि अहिले त्यति धेरै आउनुहुन्न, हिजो एलिजा पनि लाइफमा आउनु भएन होइन, उहाँ बिरामी हुनुभएको थियो अरे, अनि त्यस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ मलाई चाहिँ दुईजना सँगै हुँदाखेरि कति रमाइलो गर्नुहुन्छ नि त, सबैलाई मनपर्छ कि उहाँको जोडीहरू होइन, अहिले चाहिँ कति मिस भइरहेछ नि त। अनि त्यही हो मलाई चाहिँ उहाँको ब्लगहरूमा होइन गीतहरूमा रियाक्सन गर्न एकदम धेरै रमाइलो लाग्छ, मैले प्राय गरि पनि रहेको हुन्छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ भिडियो मैले होइन उहाँकै रियाक्सनमा उहाँकै ब्लगहरूमा रियाक्सन गरेको भिडियोहरू छ कि मलाई चाहिँ होइन। अनि त्यति धेरै सपोर्ट पनि गरिदिनु भएको छ कि जुन चाहिँ आइजे जनताहरू एलिजे जनता होइन सबैजनाले मलाई माया गरिदिनु भएको छ। अझै को को हुनुहुन्छ अझै धेरै माया गरिदिनु होला, सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई, यो भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो रियाक्सन भिडियो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। आजको लागि यति नै, बाई बाई।